हेलो फ्रेंड्स, आई एम विक्रम सिंह। आज हम जा रहे हैं चौहान स्टड फार्म डिग्गी और आपको विजिट करवाते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप लोग जो फ्रेम में स्टेलियन देख रहे हैं, इसका नाम है कल्याण और इसके सायर हैं न्यू तूफान, गुंदवा वाला स्टेलियन। इसकी डैम साइड है लूनावास लाइन, लूनावास लाइन से इसकी डैम साइड है। इसी के साथ अभी ये जो स्टेलियन है, इसकी हाइट है 64 एंड पीछे के दो पैर सफ़ेद हैं और सिर पे ब्लेज है और कान कनूति में और बॉडी स्ट्रक्चर टाइप में आप लोग देख सकते हैं इसको कि कितना अच्छा स्टेलियन है। एक सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी है इस स्टेलियन की, वो है इसका स्वभाव। वास्तव में एक अच्छे स्वभाव का धनी है ये स्टेलियन कि एक व्यक्ति, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा कि कोई एक व्यक्ति स्टेलियन को लेकर खड़ा है और वो स्टेलियन बिल्कुल भी ऐसे परेशान नहीं कर रहा है कि क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल देख लीजिए आप लोग कितनी शांति से खड़ा ये, और इसकी कान कुनौती आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से हैं। और इसके जो खड़े होने का रुआब है, यानी कि जो स्टाइल है इसके खड़े होने की, वो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट है। यानी कि बिल्कुल ये एक सिग्निफिकेंट स्टाइल में खड़ा होता है कि यार नहीं, हाँ हम हैं, इस टाइप से, जो कि एक स्टेलिन पर सूट भी करती है क्योंकि ये स्टाइल स्टेलिन ही देते हैं घोड़ों में। और वास्तव में इसका जो बोन स्ट्रक्चर वगैरह है, बॉडी की जो टाइप है और स्किन का जो शाइनिंग शाइन पार्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे विज़िट करके, क्योंकि मैं जो चीज़ सोच के आया था वो मुझे दिखने को मिली है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भैया इनको संभालते हैं इस स्टड फार्म में, जो हॉर्सेस हैं इनको संभालते हैं, उनका भी नेचर काफ़ी अच्छा है। जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से टैकल किया और मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा एक ये जो रिव्यू करने का मौका दिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ स्टेलियन मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। देख लीजिए अब इस टाइम पे भी ये बिल्कुल अपने रॉयल स्टाइल में खड़ा है, जो कि एक रुआब अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा मन को भा रहा है मेरे, काफ़ी ज़्यादा शानदार। अगर एक शब्द में बोलूँ तो स्टेलियन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी स्टड सर्विसेज अभी ओपन कर रखी है चौहान स्टड फार्म डिग्गी पे, तो आप लोग ज़रूर से विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसकी फ़ीस वगैरह सब कुछ इसके ओनर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैं नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ऐसे कुछ हॉर्स के स्टेबल वगैरह हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। एक बार मैं बाहर से आपको पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप से इनके स्टेबल और इनके पैडक बने हुए हैं अंदर की तरफ से। आइए अब देखते हैं लक्ष्मी को। और अब आप जो देख रहे हैं मेयर लक्ष्मी, जिसके सायर हैं धर्मराज अलीबाबा लाइन से, और डैम साइड यानी कि मदर साइड इसकी है केयर ऑथ फ्रॉम साचो जालोर एरिया। एक काफ़ी अच्छी मेयर है जो कि अभी फ़िलहाल प्रेग्नेंट है इन्हीं के स्टेलियन कल्याण के थ्रू आउट, और बिल्कुल प्योर केयर जिसे हम बोलेंगे वो ये है। लक्ष्मी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखने वाली मेयर है जिसकी हाइट अराउंड 62 के आसपास है। लक्ष्मी का कलर बिल्कुल दिल को भाने वाला जिसे हम बोलेंगे वो, ये लगभग मेरा फेवरेट कलर है कुमेद, जिसे मैं हर टाइम पसंद करता हूँ वो ये है। साथ ही लक्ष्मी के सिर पे एक स्टार है, पीछे का एक पैर सफ़ेद है और काफ़ी अच्छे एक स्ट्रक्चर के साथ ये भी यहाँ पे स्टेबल्ड है। काफ़ी सही लगा मुझे बिल्कुल प्रॉपरली। और एक सबसे बढ़िया बात ये भी है ना कि इनकी कान कुनौती और ये सब कुछ चीज़ें अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल प्योर मारवाड़ी वाली झलक हमें यहाँ देखने को मिलती है बिल्कुल। और मैं थैंक्सफुल हूँ कि राम सिंह जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ एक बार विज़िट करने का मौका दिया। साथ ही साथ ये जो इनके यहाँ पे भी दो जानवर स्टेबल्ड हैं, एक है कल्याण और एक है लक्ष्मी। लक्ष्मी को आप फिलहाल फ्रेम में देख रहे हैं, एक काफ़ी अच्छी मेयर है जो कि अभी फ़िलहाल थोड़े दिनों बाद रिजल्ट देने वाली है कल्याण का, और
कल्याण के जिस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि स्टड सर्विसेज ओपन है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अभी मैं आपको पैटेक वगैरह और ये सब कुछ स्टेबल वगैरह किस टाइप से बने हुए ये अंदर से दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ चलते हैं। और मैं आ चुका हूँ पीछे वाले एरिया की तरफ जहाँ स्टेलियन कल्याण हमें फर्स्ट में देखने को मिलता है। और इसके नेक्स्ट वाले पैटक में, इसके नेक्स्ट वाले स्टेबल में है मेयर लक्ष्मी। देख लीजिए आप कितनी शानदार कानकन होती है इसकी, मेरा वास्तु में दिल आ गया इस चीज़ से। और काफ़ी अच्छा एक स्पेसियस स्टेबल बना रखा है रामचंद्र जी ने अपने स्टेबल में। और पीछे मैं एक बार चल के आपको पैडक वगैरह ज़रूर दिखाऊंगा, पहले इसके पहले मैं आपको अंदर से जो ये स्टेबल बना हुआ है वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना स्पेसियस है एक बार। और इसकी जो ठांड वगैरह है और पानी के लिए जो जगह है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग देख लीजिए कि एक स्टेलियन के रूम में हम आ चुके हैं, स्टेबल में आ चुके हैं और कितनी शांति से ये खड़ा है। ये भी एक सहूलियत वाली चीज़ है, देख लीजिए आप बिल्कुल स्पेशियस है यहाँ पे भी। स्टेलियन आराम से अपना घूम सकता है सब कुछ प्रॉपरली। अब मैं इसकी जो साइज़ वगैरह है मैं मेंशन कर दूंगा अगर स्क्रीन पे मुझे पता लगा तो। और साथ ही अब मैं आपको पैडक की तरफ लेके चलता हूँ। तो आपको मैं पीछे की तरफ जो इसके खुले में घूमने के लिए पैडक है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप स्टेलियन का स्टेबल देख चुके हैं, अब देखिए आप पैडक कितनी शानदार तरीके से पैडक बने हुए, उनमें बिल्कुल प्रॉपर मिट्टी डली हुई है ताकि स्टेलियन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरीके के कोई कंकर वगैरह नहीं है इसमें, बिल्कुल शानदार तरीके से बना हुआ है पैडक। और काफ़ी अच्छा एक स्पेस है ताकि इस पैडक में अच्छे से स्टेलियन अपनी लंजिंग वगैरह कर सके। वैसे लंजिंग के लिए बाहर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, पर ये भी जो पैडक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जिसमें स्टेलियन आसानी से अपना लंजिंग कर सकता है खुले में रहकर। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाली साइड में जहाँ पे मेयर के लिए जो पैडक बना हुआ है वो, और मेडक और लक्ष्मी जो मेयर है इनकी उसका स्टेबल वगैरह आपको दिखाता हूँ आगे से। और ये बहुत ही शानदार तरीके से मुझे लगा है वास्तव में, ताकि एक खुलेपन का एहसास भी घोड़े को होता है कि हाँ हम बाहर पैडक में घूम रहे हैं वो है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पैडक जो कि लक्ष्मी मेयर लक्ष्मी का है। और अब मैं आपको स्टेबल दिखाता हूँ अंदर का जिसमें लक्ष्मी स्टेबल्ड है। तो एक बार खोल देंगे, हाँ तो अब देख लीजिए आप बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस हम बोलेंगे इसको भी, क्योंकि एक मेयर के लिए इतना स्पेस सफिशिएंट होता है, बिल्कुल सफिशिएंट होता है। और इनकी ठंड वगैरह और ये पानी के लिए बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ है ताकि ताज़ा पानी ये ले सके, और ठंड भी बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है जिससे घोड़े को ज़्यादा नीचे झुकने की परेशानी नहीं हो और काफ़ी अच्छी तरीके से उसको खाना मिल सके। अब मुझे पैडक वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं और स्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं जिनमें कम से कम घोड़ा अपनी आज़ादी के साथ घूम सकता है और यहाँ पे आसानी से अपना लंजिंग कर सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। और इसका जो ये जो स्टेबल है पूरा को पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है बना हुआ जो जिस तरीके से इसकी बनावट है मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी है, देखने लायक है वास्तव में। तो आप लोग जब भी समय मिले तो ज़रूर से विज़िट कीजिएगा एक बार चौहान स्टड फार्म डिग्गी। इन्हीं के साथ साथ मैं इस स्टड फार्म के ओनर राम राघवेंद्र सिंह जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा जहां से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका प्रॉपर लोकेशन भी यहां पर मेंशन कर दूंगा जिससे आप विज़िट कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।